सभी को सादर जय जिनेंद्र। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि यह वर्ष भारत का एक महत्वपूर्ण दिवस है। इस दिन 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था, अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुआ था। और आज संपूर्ण भारतवर्ष, संपूर्ण आर्यावर्त आज इस 75वें स्वतंत्रता दिवस को अपनी अपनी भूमिका अनुसार व अपनी अपनी श्रद्धानुसार मना रहा है। उसी उपलक्ष्य में मैं आयुष जैन आपके समक्ष एक नया विषय लेकर आया हूँ। हमारे विषय का नाम है आत्म प्रेमी भी राष्ट्र प्रेमी। इस विषय में हम देखें आत्म प्रेमी भी राष्ट्र प्रेमी, अर्थात जो जगत में ऐसी भ्रमणा है कि जो आत्म प्रेमी होता है, मतलब जो अपने आत्मा में ही रहता है, जो अपनी आत्मा को ही प्रिय मानता है, उसको जगत से कोई मतलब नहीं है। वह जगत से उदासीन है, वह जगत के राष्ट्र से उसको कोई मतलब नहीं है। वह मात्र अपने में ही लीन रहता है, अपने को ही प्रिय मानता है, जगत से उसका कुछ लेना देना नहीं है। ऐसे हमारे कितने भी अनेक हमको दिखते हैं ब्रह्मचारी साधु वगैरह ये सब, लेकिन ये एक भ्रमणा है, ये भूल है। जो लोग ऐसा मानते हैं वे एक भूल में जी रहे हैं। आज उनकी भूल मिटाने के लिए हम इस महत्वपूर्ण दिवस पर यह विषय लेकर आए हैं, आत्म प्रेमी भी राष्ट्र प्रेमी। हमारे दिगंबर आचार्यों ने व दिगंबर विद्वानों ने अनेक अनेक ग्रंथ लिखे, अनेक अनेक ग्रंथों के माध्यम से जिन सिद्धांतों का बोध हम सभी को कराया, उसी विषय में, उन्हीं ग्रंथों में, उन्हीं आचार्यों ने, उन्हीं विद्वानों ने ये राष्ट्र प्रेम लिखा है कि हमें राष्ट्र के प्रति जागृत रहना चाहिए। आत्म प्रेमी होने के साथ साथ राष्ट्र प्रेमी भी बनना अति आवश्यक है। उन्हीं ग्रंथों के माध्यम से कुछ उद्धरण मैं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ, एक झलक प्रस्तुत कर रहा हूँ। बाकी आप समझ लीजिएगा कि हमारे जैन आचार्यों के, जैन विद्वानों के हृदय में राष्ट्र प्रेम कितना उमड़ उमड़ के रहता था। सर्वप्रथम एक महान विद्वान चामुंडा राय मुनि, जो सिद्धांत चक्रवर्ती नेमीचंद आचार्य के समय में हुए हैं, उन्होंने एक बहुत ही सुंदर श्रमणाचार्य के ऊपर एक ग्रंथ लिखा है, चारित्र सार उसका नाम है। उसमें उन्होंने बहुत ही सुंदर बात लिखी है, आप सभी ध्यान पूर्वक सुनिए कि यदि कोई देश पर, यदि कोई राष्ट्र पर आपत्ति आए और यदि कोई मुनि उस आपत्ति को दूर करने में समर्थ हो, तो उसको अपनी दीक्षा छेद कर उस आपत्ति को दूर करना चाहिए। ये साफ साफ हम देख सकते हैं कि चामुंडा राय मुनि के हृदय में राष्ट्र प्रेम कितना था कि उन्होंने ऐसा लिखा। इसके बाद देखें एक आचार्य वसुनंदी स्वामी स्वामी हुए हैं, उन्होंने बहुत सुंदर ग्रंथ वसुनंदी शाकाचार्य इत्यादि लिखे हैं, तो उनमें लिखा है रिट्ठ संति महाजग्गो, रिट्ठ संति महाजग्गो, अर्थात राष्ट्र शांति महायज्ञ है और इस महायज्ञ में प्रत्येक प्राणी को डूबना चाहिए। ये तो जैन आचार्य हुए। अब एक जैन विद्वान की झलक भी देख लीजिए, पंडित टेक चंद जी, जो आज पूरे विश्व में अपने विधान के विधानकर्ता के रूप में बहुत प्रसिद्ध हुए हैं, उनका सिद्ध चक्र विधान, पंडित टेक चंद जी, उनके कितने कितने विधान उन्होंने लिखे हैं, उन्हीं में से उन्होंने एक ग्रंथ भी लिखा सुदृष्टि तरंगिणी। उसमें बहुत ही सुंदर बात लिखी है कि जो व्यक्ति राष्ट्र के विरुद्ध बोलता है, राष्ट्र के विरुद्ध आवाज उठाता है, वह लोक निंदे है। वह लोक निंदे होने के साथ साथ शठ है, सुभट है, उससे कोई बात नहीं करेगा, ऐसा उन्होंने लिखा है। इतना महान राष्ट्र प्रेम हमारे जैन विद्वानों के हृदय में था। आत्म प्रेम तो था ही, आत्म प्रेम तो फर्स्ट उनके जीवन में होता ही है, लेकिन सेकेंडरी उनके राष्ट्र प्रेम भी होता है। वे राष्ट्र को भूलते नहीं है। जगत में आज पूज्यपाद स्वामी की पंक्तियां कितनी प्रसिद्ध हैं, संपूज्यकानां प्रतिपालकानां यतेन्द्र सामान्य तपोधनानां।
देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्यं करोतु शांतिम भगवान जिनेन्द्रम। कितनी पवित्र भावना पूज्यपाल स्वामी लिख रहे हैं। अरे सिर्फ मानव जीव के लिए नहीं, पेड़ पौधे पशु पक्षी राष्ट्र के सभी जीवों के लिए शांति हो, सभी शांति से रहें, सभी आनंद से रहें, किसी को कोई प्रॉब्लम ना रहे। पंडित जुगल किशोर जी मुख्तार मेरी भावना में भी लिखते हैं, प्रजा शांति से जिया करे, सभी प्रजा शांति से रहे, राजा भी न्यायपूर्वक न्याय करे। राजा यदि राजा न्यायपूर्वक न्याय करेगा तो प्रजा शांति से न्यायपूर्वक उनका सम्मान करेगी। इसलिए ऐसी भावना हमारे जैन आचार्यों के हृदय में, विद्वानों के हृदय में रहती है। आज 15 अगस्त है, आज के दिन हमारा भारत आज़ाद हुआ था। ये भारत सोने की चिड़िया कही जाती थी और सोने पर तो प्रत्येक जो लूट मार होते हैं, लूट मार करते हैं ऐसे अंग्रेज आदि जितने भी विदेशी लोग हैं, उनकी नज़र इस पर रहती है, रहती थी, रहती है और आगे भी रहेगी। लेकिन वे ये ना भूलें जिस भूमि में इतने महान पवित्र हृदय वाले आचार्य हो चुके हैं, महान पवित्र हृदय वाले महापुरुष हो चुके हैं, जिन्होंने इस देश को आज़ाद करने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, जिन्होंने इस देश में क्रांति लाने के लिए अपने लेखनी से क्रांति मचा दी। ऐसे महान विद्वानों की जो पवित्र भूमि है ना, उसको आज तक ना कोई भी ना इसको गुलाम बना पाया था, बना पाया है और ना कोई बना पाएगा। अंग्रेजों ने यह प्रयास किया था लेकिन उनको भी अंत में छोड़कर जाना पड़ा। कितने कितने क्रांतिकारियों ने आज के दिन इस भारत को स्वतंत्रता दिलाई है, अपने प्राण न्यौछावर कर कितना बलिदान देकर। अतः हम सभी को इसमें ये ध्यान रखना चाहिए, आज के दिन ये ध्यान रखना चाहिए, आज के दिन ये प्रतिज्ञा लेनी चाहिए कि हम ऐसा कोई भी कार्य ना करें जिससे हमारा धर्म, हमारा राष्ट्र, हमारा परिवार कलंकित हो। ऐसा कोई भी कार्य ना करें, अतः ऐसा कार्य करें जिससे भारत गौरवान्वित हो, परिवार गौरवान्वित हो, धर्म गौरवान्वित हो। धर्म की बात, धर्म की ध्वजा उठानी चाहिए, राष्ट्र को आगे बढ़ाने का कार्य हमको करना चाहिए। अतः राष्ट्र को आगे बढ़ाएंगे तो धर्म भी आगे बढ़ेगा, और धर्म आगे बढ़ेगा तो आत्म प्रेम तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, इसके साथ साथ राष्ट्र भी आगे बढ़ेगा। अतः आज के दिन तो भूलना कभी नहीं चाहिए कि आत्म प्रेमी भी राष्ट्र प्रेमी होता है। आत्म प्रेम सबसे बड़ा आत्म प्रेमी वही होता है जो राष्ट्र प्रेमी होता है। अतः इस बात पर ध्यान रखना चाहिए। आज के दिन इस पवित्र भावना को भाकर मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जय जिनेंद्र। बोलिए भारत माता की जय हो।